साक्षी भाव से अपने श्वास को देखते जाओ, अत्यंत शांति, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर। जब तक जीव नहीं आता तब तक शांति को प्राप्त नहीं होता। कार्य में से कारण की ओर आना है, बाहर से भीतर की ओर जाना है। समस्त कार्यों का कारण परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता है, तभी सभी कार्य संभव हो सकते हैं। कार्य में उलझना नहीं है, वरन कार्य को सिद्धि और सफलता कारण से मिलती है। राम जगत में देखने जैसा क्या है? उलझना, अतृप्त होना, अंत में पछताना और दुखी होना। संसार की आसक्ति को रखते हुए आज तक कोई भी मनुष्य सुखी नहीं देखा गया। हर वृद्ध मरते वक्त यही कहता है, संसार में सार नहीं है। इसी बात को हम समझ ले तो कितना अच्छा हो। संसार का स्वभाव है, हर इच्छा पूरी होने के बाद भी मनुष्य अतृप्त रहता है, ये संसार की देन है। सब कुछ कर लेने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद, हर इच्छा पूरी हो जाने के बाद भी मनुष्य अधूरा रहता है, ये संसार का स्वभाव है। कुछ न करके केवल परमात्मा में विश्रांति पाले, सदा तृप्त रहता है, ये परमात्मा का स्वभाव है। श्वासोश्वास को देखते जाओ, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आप देखने वाले हो। जैसे श्वास को देखते हो वैसे ही अपने मन की वृत्तियों को भी देखते हो, क्योंकि आप मन से परे हो, इंद्रियों से परे हो, आप सभी के साक्षी हो, शुद्ध हो, चैतन्य।
सुख आपके भीतर है, खामखा बाहर प्रसन्नता और आनंद को खोजते हो। कुत्ता हड्डी चबाता है, अपने ही मसूड़ों से खून निकलता है, वो समझता है हड्डी से रस आया। उसका अपना ही खून उसको रस देता है। वैसे ही आप ही का रस दूसरे में प्रतिभासित होता है। आप समझते हो कहीं अन्य से सुख मिला। आप सुख स्वरूप हैं। आपका सुख अन्य में प्रतिभासित हुआ, आपको लगा वहां से सुख आया। आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करो। इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकारों ने मनुष्य को बहुत नीचा कर दिया है, तुच्छ बना दिया है। नीचे के केंद्रों से उठकर ऊपर के केंद्रों में मन को स्थिर करो। चौरासी लाख योनियों में मनुष्य अलग क्यों है? ईश्वर ने अपने जैसा क्यों बनाया है मनुष्य को? क्योंकि वो चाहता है आप उसमय हो जाओ, आप उसे प्राप्त करो। इसीलिए इतनी योग्यता है, इसीलिए बुद्धि है, इसीलिए समझ है। सृष्टि की रचना हुई, बहुत जीवों का सृजन हुआ, उसको संतुष्टि ना हुई। कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा है। होता गया, नए नए जीव
प्रकट होते गए, फिर भी उसको संतोष न हुआ। अपने जैसा दूसरा बनाया, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मेरी सृष्टि पूर्ण हो गई, मैंने मनुष्य में भरपूर योग्यता भर दी है, मेरे जैसा उसको बना दिया है। एको हम बहुस्याम, मैं एक हूं, उसमें से मैंने अनेक कर दिए। जब उसको संतोष हुआ, देखते हैं कि वो मनुष्य था मेरे जैसा, दूसरा रूप था, उसे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। उसे लगा सृष्टि अब मैंने पूरी बना ली है। तो मनुष्य में योग्यता क्यों है, बुद्धि क्यों है, समझ क्यों है कि आप अपने पिता को जान सको, जिसने आपको जन्म दिया, जिसकी सत्ता से सृष्टि चलती है। सूर्य के प्रकाशित होने से सभी प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के प्रकाश से समस्त सृष्टि प्रकाशित, सूर्य भी प्रकाशित, चंद्र भी प्रकाशित। सूर्य नहीं है तो जगत में अंधेरा है। सूर्य के उदय होने से कर्म में प्रवृत्त होता है जीव। ब्रह्म के अस्तित्व से सूर्य भी भासित होता है, चंद्र भी भासित होता है। उसी की सत्ता आपके भीतर काम करती है। अपने को दीन, हीन, दुखी, हताश, निराश मानने की गलती ना करो। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं मन नहीं हूं, तभी मैं मन के चंचलता को देख सकता हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, तभी मैं बुद्धि को देख सकता हूं। मैं चित्त नहीं हूं, तभी मुझे चित्त दिखाई देता है। आज मुझे अच्छे विचार आ रहे हैं, आज मुझे भय लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि आप वो नहीं है, उससे अलग है। वही आप चैतन्य है, सभी के साक्षी। अच्छे विचार आते हैं, उसे भी आप देखते हैं, बुरे आते हैं, उसे भी आप देखते हैं। बचपन में मैं ऐसा था, उसे आपने देखा। जवानी में ऐसा था, आपने देखा। जवानी चाहे बदल गई, बचपन चाहे चला गया, आप नहीं बदले ना, क्योंकि आप साक्षी हो। मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ओमकार स्वरूप हूं, मैं साहसी हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं सत्य स्वरूप, सत्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। शरीर के साथ मिलकर मैं अपने को शरीर मानता था, मन के साथ मिलकर मैं अपने आप को चंचल जानता था, बुद्धि के साथ मिलकर मैं अपने आप को कभी अच्छा कभी बुरा जानता था। पर मैं तो इन सब को देखने वाला साक्षी हूं, जो कभी नहीं बदलता, किसी भी अवस्था में उसका नाश नहीं होता। मैं मुक्त स्वरूप हूं,
आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। ओम 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 हरि ओम 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 ओम।